लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने। इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, लालू परिवार को समन भेजा गया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का जो मामला है। लालू यादव रेल मंत्री थे तब, उस वक्त जो है ये मामला उजागर हुआ था, उस वक्त का ये मामला, और उसके बाद इस मामले की जांच चल रही है। तो ईडी की चार्जशीट के आधार पर ये समन जारी किया गया है। हालांकि ईडी की चार्जशीट में तेज प्रताप यादव का नाम शामिल नहीं किया गया था आरोपी के तौर पर, लेकिन कोर्ट ने ये फैसला लिया कि तेज प्रताप यादव भी लालू परिवार के सदस्य हैं, ऐसे में उन्हें भी इसका लाभ मिला है, तो उन्हें भी समन जारी किया गया है। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं लालू परिवार की। इस बीच बीजेपी ने डबल अटैक कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला है लालू परिवार पर। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए आप। समन भेजा है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी जोड़ा गया है इसमें, कैसे देखें भाई? आपको पता है कि पूरा परिवार लालू जी का नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, यह सर्वविदित है, और जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगी। तो इस प्रकार से गरीबों को नौकरी देने के नाम पर जमीन ले लेना, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे नौजवान गरीब जो उनको जमीन भी दे दिया, पैसे भी वो लोग ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी। इस प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पास कानून का पहुंचना अनिवार्य है। जो उन्होंने पाप किया है गरीब नौजवानों के साथ, जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के पास, घोटालेबाजों के पास कानून पहुंचेगी ही। कानून सबके लिए बराबर है। अगर लालू जी, तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग यह समझते हैं कि हम बड़े ओहदे पे हैं और रहे हैं, तो क्या कानून उनको छोड़ देगी? ऐसा उनकी सोच गलत है। इस देश के कानून जो भी गलत करेगा, पाप करेगा, गरीबों का खून चूसेगा, उसको सजा देगी। कानून वहाँ जाएगी नहीं तो क्या? इतने भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बाद उनको फूल का गुलदस्ता पेश किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई तो होगी उन पर। बहुत अच्छा वहाँ मतदान हो रहा है, बहुत अच्छा वहाँ मतदान हो रहा है, धन्यवाद। तो सुना आपने कि लालू परिवार पर हमलावर हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, और कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उस तरह की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है शाहनवाज हुसैन ने, ये भी सुनिए आप। आज वोटिंग हो रही है, जमहूरियत की जीत हो रही है, बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो चुनाव के बाद तय होता है, लेकिन जमहूरियत की जीत तो पहले हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह नॉर्दर्न स्टेट में लोग वोट करते हैं तो उस तरह वोट कर रहे हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद ये अंतर है, पहले 5%, 10%, 8% वोटिंग होती थी, अभी तो इतनी तेज़ी से वोटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन रहा है। देखिए, जो भी मामला होता है वो मामला अदालत से आया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना पड़ता है, जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी बन गई हैं, कैसे देख रहे हैं? स्वाति मलिवाल विरोध भी किए हैं सर इसका, अभी कुछ नहीं, वो
मालीवाल कह रही है कि ऐसी शख्स को बनाया गया है कि जो अफजल गुरु की फांसी का जो लोग दरखास्त दे रहे थे बचाने के लिए। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मन से इस्तीफा नहीं दिया, मजबूरी में दिया। भ्रष्टाचार के आरोप थे, जेल से बेल पे निकले, अदालत ने कहा था कि आप न फाइल साइन कर सकते, न मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते, तो घर में बैठकर क्या करते। तो मजबूरी में इस्तीफा दे दिया। और आतिशी मार्लिना, जो मार्क्स और लेनिन का नाम जिनसे जुड़ा है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। और ये कैसा इस्तीफा है, ये तो अपने आप को लालू जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री कोई भी हो चलाएंगे हम। और ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ महीने के लिए आतिशी मार्लिना को मुख्यमंत्री बनाया है, यानी जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। और आतिशी मार्लिना जो है, उनके परिवार के लोगों ने तो अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए संघर्ष किया था, साइन किया था और अफजल गुरु की पैरवी की थी, इसको देश अच्छी तरह जानता है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और कई सारी वादे जो हैं वो लोगों से की 200 यूनिट बिजली का जो है फ्री करने का। देखिए, जिसको जितना यात्रा करना है, जिसको अपना फेसबुक पे भाषण करना है, जो पार्टी बनाना है, बिगाड़ना है, बिगाड़ता रहे। आएंगे नीतीश कुमार, छाएंगे नीतीश कुमार, जीतेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। जब चुनाव आता है तो हर चुनाव से पहले कोई न कोई नई पार्टी बनती है, यात्रा होती है। बिहार एक इतने अच्छे मुख्यमंत्री को खोने को तैयार नहीं है, इसलिए कितनी कोई मशक्कत कर ले, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी और पहले से ज़्यादा सीट लेकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तो सुन लिया आपने कि शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो मामला है कोर्ट का मामला है, और कोर्ट के मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जो जिस तरह से जो किया गया है उसकी सज़ा जो दोषी हैं उन्हें मिलेगी, तो ये कहते नज़र आ रहे हैं। तो बीजेपी ने इस मामले में डबल अटैक कर दिया है लालू परिवार पर। अब आगे देखना होगा, जिस तरह से पेशी का वक्त भी तय कर दिया गया है, 7 तारीख का वक्त दिया गया है जब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं और इधर बीजेपी ने लालू परिवार को घेर लिया है। बिहार के अंदर सियासत शुरू हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।